तो कोलिजन का पहला क्लास हम लोगों का हो चुका है। पहला क्लास कोलिजन का देख चुके हैं और जो क्रीम था उसका जो नेसेसरी कंसेप्ट था वो ये था कि कोलिजन चार किस्म के होते हैं, इलास्टिक हेडन, इलास्टिक ओब्लिक, सेमी इलास्टिक हेडन, सेमी इलास्टिक ओब्लिक। और हम लोग बात कर रहे थे इलास्टिक हेडन कोलिजन के बारे में। तो इलास्टिक हेडन कोलिजन में क्या क्या पॉइंट्स थे मैं इसको लिख देता हूँ, क्योंकि आज इसके ऊपर निमिकल करेंगे और फिर हम लोग देखेंगे इलास्टिक सेमी इलास्टिक कोलिजन भी देखेंगे। तो इन केस ऑफ इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन वी हैव सीन द मोमेंटम बिफोर कोलिजन एंड मोमेंटम आफ्टर कोलिजन आर सेम, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन एंड काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन आर आल्सो सेम, मोमेंटम इज कंजर्व इन केस ऑफ इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन। क्या काइनेटिक एनर्जी भी कंजर्व है? काइनेटिक एनर्जी इज नॉट कंजर्व। हम बताए थे ड्यूरिंग कोलिजन द काइनेटिक एनर्जी ऑफ द बॉडी इज कन्वर्ट इन टू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो आप कहोगे सारे पहले काइनेटिक एनर्जी जितना था कोलिजन से पहले बाद में उतना है तो कंजर्व होना चाहिए। नहीं, ड्यूरिंग कोलिजन दी काइनेटिक एनर्जी कन्वर्ट्स इनटू इलास्टिक पोटेंशियल एनर्जी। तो ध्यान रहे ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है स्कूल का, अगर कोलिजन से आएगा तो ये आने का बहुत ज्यादा चांस है। क्या है कि काइनेटिक एनर्जी इन केस ऑफ इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन इज नॉट कंजर्व। और क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट देखे थे? द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन आर सेम। मतलब कोलिजन से पहले जितने स्पीड में एक दूसरे के नजदीक आएंगे, कोलिजन के बाद एक दूसरे से उतने ही जोर से एक दूसरे से दूर जाएंगे। पूरा आजकल की दोस्तों की तरह जितना जोर से फ्रेंडशिप होता है उतने जोर से तलाक होता है ना। देखो यू वन यू टू है कितने स्पीड में पास आ रहे हैं, यू वन माइनस यू टू। ये वी वन वी टू है कितने स्पीड में एक दूसरे से दूर जाते हैं, वी टू माइनस वी वन। इन केस ऑफ इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन रिमेंबर दिस इज ए वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर्मूला जो आपको काफी काम में लगेगा। एंड इंडिविजुअली वी वन वी टू का वैल्यूज कितना होगा आफ्टर कोलिजन? अगर एम वन ये एम वन है, चलो मानते हैं कि ये एम वन है, ये एम टू है, तो यू वन यू टू स्पीड में जा रहे थे, कोलिजन हुआ, बाद में एम वन जा रहा है वी वन स्पीड में, एम टू जा रहा है वी टू स्पीड में, तो हम देखे कि v1 v2 का वैल्यू क्या होगा। v1 विल बी m1 माइनस m2 बाई m1 प्लस m2 होल इनटू u1 प्लस 2m2 बाई m1 प्लस m2 होल इनटू u2। v2 इज बस एक याद रखना है, 1 के जगह 2 करना है, जहां जहां 1 लिखा है वहां पर 2 करना है, जहां पर 2 लिखा है वहां पर 1 करना है, तो आपको सारा चीज मिल जाएगा, v2 भी मिल जाएगा। और एक स्पेशल केस देखे थे इफ m1 एंड m2 बोथ आर इक्वल मास, दोनों मास बराबर है, देन दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज। ये U1 में जा रहा था, ये U2 में जा रहा था, टकराव हुआ, इलास्टिक हेडन हुआ, तो कोलिजन के बाद ये जाएगा U1 में, ये जाएगा U2 में। They will interchange their velocities. If M1 is equal to M2, then V2 will be U1, है ना? और V1 will be U2, एक दूसरे का वेलोसिटी को ले लेंगे। इतना सारा कंसेप्ट को लेके आज की क्लास हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है? Let us proceed and see. In each of the following cases, assume elastic head-on collision and find the unknown quantities. देखो बहुत सारा केस दिया गया है, हर एक केस में आपको unknown quantity बताना है। यहाँ पर जो unknown quantity है क्या unknown है, यहाँ पर V2 पूछा है, V2 बताना है आपको। चलिए कोशिश करते हैं V2 निकालने की। फिर we try to find out V2. Observe what is given. क्या डाटा दिया गया? Masses तो नहीं दिया है। ये 7 मीटर पर सेकंड है, 2 मीटर पर सेकंड में जा रहा है, तो टकराएगा। टकराने के बाद इसका स्पीड हो गया 4, इसका स्पीड क्या होगा? हमें मालूम है क्या? रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, है ना? तो इससे हमें क्या मिला? इससे हमें ये मिला कितना वेलोसिटी में पास आ रहे थे ये 7 माइनस 2, कितना वेलोसिटी में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं v2 माइनस 4। आई होप यू अंडरस्टैंड। अगर इसमें से हम v2 निकालेंगे तो v2 विल बी 7 माइनस 2 इज 5 प्लस 4 इज 9 मीटर पर सेकेंड। सीधे सीधे बन गया। कोई सोचेगा कि मास नहीं दिया है, कैसे कंजर्वेशन मोमेंटम लगाएंगे, काइनेटिक एनर्जी को बराबर करेंगे? कुछ भी चीजों की जरूरत नहीं है। रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन एंड रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन आर सेम। क्या चीजें सबको समझ में आया? यस सर, यस। चलो ठीक है, दूसरे क्वेश्चन में देखिए। यहां पर एक मास है m, कितना है मालूम नहीं है, 4
4 मीटर पर सेकंड में जा रहा था, यहां पर एक मास है 6 केजी जो इधर आ रहा था 2 मीटर पर सेकंड में, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ, पता चला कि m इधर जा रहा है 2 में और ये इधर जा रहा है 4 में, तो पूछा है बताओ ये m का वैल्यू कितना है, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ m। अगर ये 4 मीटर पर सेकंड नहीं भी दिया होगा तब भी कोई तकलीफ नहीं है, तब भी कोई तकलीफ नहीं है, मैं इसको मिटा देता हूं, 4 मीटर पर सेकंड नहीं दिया है, क्या दिया, ये जा रहा है भी में, भी में जा रहा है, तो बता रहा है आपको भी क्या है एम क्या है। देखिए रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन और आफ्टर कोलिजन बराबर होना चाहिए, कितना वेलोसिटी में पास आ रहे थे देखो, तो रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन मॉट बी इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, इससे पता चला कितने स्पीड में पास आ रहे थे, कोई मेरा मदद करेगा क्या, ये 4 में आ रहा था ये 2 में आ रहा था, कितने स्पीड में पास आ रहे थे, 4 प्लस 2 और 4 माइनस 2 प्लस 2, अच्छा आप कितने स्पीड में एक दूसरे से दूर जा रहे थे, ये जा रहा था भी में, ये जा रहा था 2 में, भी माइनस 2 और भी प्लस 2, भी प्लस 2, तो इससे क्या पता चल गया कि भी जो हमें मालूम नहीं था वो कितना हो गया है 4 मीटर पर सेकेंड, ये क्लियरली पता चल गया कि v इज 4 मीटर पर सेकंड। अच्छा और क्या है, m भी पता करना है, v पता चल गया m पता करना है, देखो तो इसका था स्पीड 4 अब इसका स्पीड हो गया 4, इसका स्पीड था 2 इधर को अब इसका हो गया 2, दैट मींस दे आर इंटरचेंजिंग देयर वेलोसिटीज है कि नहीं, ए दे आर इंटरचेंजिंग देयर वेलोसिटीज, मासेस मस्ट बी इक्वल, देन व्हाट मस्ट बी द वैल्यू ऑफ m, m मस्ट बी 6 kg, क्या लिखेंगे, एज दे इंटरचेंज वेलोसिटीज m मस्ट बी इक्वल टू 6 kg, दोनों का मास बराबर होना जरूरी है, होपफुली यू अंडरस्टैंड, दीज आर ऑफ सिंपल क्वेश्चंस, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, यहां पर एक दिया है m है जो 4 मीटर पर सेकंड में आ रहा था, ये 6 kg है 2 मीटर पर सेकंड में आ रहा था, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ, m इधर गया 1 मीटर पर सेकंड में और ये कौन मास था, ये तो 6 kg मास था, 6 kg इधर गया v मीटर पर सेकंड में, पता क्या करना है, m एंड v दोनों पता करना है। हमारे पास चार बेसिक फॉर्मूले हैं, एक तो हुआ मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, काइनेटिक एनर्जी बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी आफ्टर कोलिजन, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन एंड v1 v2 का इंडिविजुअल वैल्यूज जो फॉर्मूला है ना, चार तरीके। तो चलिए सोचते हैं कैसे हम जल्दी से इसको आसानी से कम समय में कर पाएंगे, सॉल्यूशन बनाने की कोशिश करते हैं। पहला तो ये सबसे आसान फॉर्मूला था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, हां तो अप्रोच क्या था 4 प्लस 2, सेपरेशन क्या था v प्लस 1 और v माइनस 1, तो पता चला कि v इज 7 मीटर पर सेकंड और एक चीज पूरा हो गया, v का वैल्यू पता चल गया, ध्यान रहे इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होना जरूरी है तभी जाके v का वैल्यू हो गया 7, आर यू गेटिंग, अच्छा ना, अब हमें और क्या बाकी रह गया, m पता करना है, हमें तो मालूम है कि मोमेंटम बिफोर कोलिजन मस्ट बी इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, बिफोर कोलिजन क्या मोमेंटम था, इसका था 4m और इसका उल्टा था कितना 6 × 2, इसीलिए माइनस कर दिए, आफ्टर कोलिजन इसका कितना है 1m और इसका भी तो सेम है, कितना है ये 6 × v, जबकि v का वैल्यू 7 है, हम पता कर चुके हैं, सो व्हाट यू फाइंड 1m को इधर ले आओ मिलेगा 3m और ये 12 को इधर ले लो, इस 12 प्लस 6 × 7 कितना हो गया 42 प्लस 2 इज 44 प्लस 10 इज 54, मतलब m इज 18 kg, समझ में आया क्या, इज इट अंडरस्टूड, यस सर, बहुत बढ़िया, समझ में आ रहा है, आप लोग हड़बड़ी में सारा चीज लिखने की कोशिश मत करिए, हो सकता है मिस हो जाएगा, आप तो लिखते हो आराम से, इसमें दो फायदा है, एक तो है क्लास में आप ध्यान से सुनते हो समझ में आ जाता है, दोबारा क्लास में जाके घर में लिखते हो तो फिर से रिकैप भी हो जाता है और ये आपको चीजें याद भी हो जाता है, नहीं तो अगर क्लास में सब कुछ लिख लोगे तो बाद में दोबारा लिखने की कोई जरूरत ही नहीं पड़ेगा, है ना।
तो ध्यान रहे कि ऑनलाइन क्लासेस में मैं तो आपको वीडियो दे देता हूँ, पीडीएफ शेयर कर देता हूँ, आप लोग इसको दोबारा बाद में फिर से लिख लोगे तो बहुत बढ़िया रहेगा, तब तो आपका प्रैक्टिस भी हो जाएगा और इसको कर लेना। तो जब वीडियो देखोगे तब तो क्वेश्चन देखने के बाद उसको पॉज करो, खुद कैलकुलेट करने की कोशिश करो, नहीं हुआ तो मेरा आंसर देख लो, सो यू गेट डबल प्रैक्टिस दैट वे। ठीक है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज हो रहा है ऑनलाइन क्लासेस में कि अगर क्लासेस में आप ध्यान से सुन रहे हो तो सब कुछ समझ रहे हो, ऑफलाइन क्लासेस में आपको तुरंत लिखना पड़ेगा क्योंकि मिटा दिया जाता है। एनीवे, लेट अस गो फॉर द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्या पूछा है? अननोन क्वांटिटीज क्या पूछा है? V1, V2, V1, V2, M1, M2, U1, U2 दिया है, V1, V2 पूछा है। क्या V1, V2 का हमारे पास कोई फॉर्मूला है? हाँ है। क्या फॉर्मूला? ये फॉर्मूला हमें याद है, ये फॉर्मूला हम लोग निकाले थे प्रीवियस क्लास, हमें V1, V2 का वैल्यू निकालना है तो हमें इस फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करना पड़ेगा। कैसे करेंगे यूज? यहाँ पे यूज करेंगे सीधे सीधे, फॉर्मूला हमारे पास हो गया है, इस फॉर्मूला को यूज करेंगे, V1 और V2 को निकालने की कोशिश करेंगे, ये सारा निकाल पाएंगे अगर हम सारा चीज को लिख पाएंगे तो। बताओ M1 क्या है? What is M1 here? You said it is 6 kg, है ना? What is U1? U1 क्या है? U1 is 4 meter per second. What is M2? M2 is 4 kg. और U2 क्या है? U2 क्या है? कौन बताएंगे? What is U2 here? -2, क्योंकि हमारा स्टैंडर्ड केस में सारे मासेस का वेलोसिटी सेम डायरेक्शन में था, सो यू हैव टू टेक -2। एक बार आपको M1, M2, U1, U2 मालूम है तो क्या V1 और V2 नहीं निकाल सकते? यस। ये -2 क्यों लिए? बस ये आपको समझ में आना चाहिए, क्योंकि हमारा जो स्टैंडर्ड केस था वो स्टैंडर्ड केस में सारा चीज का डायरेक्शन कैसे था? देखो सारा चीज का डायरेक्शन कुछ ऐसे था, सारा कुछ ऐसे था, तो सारा वेलोसिटी ऐसे थे, तो ये फॉर्मूला निकल के आया था। अब हम इस फॉर्मूले से आसानी से निकाल सकते हैं व्हाट इज V1 एंड व्हाट इज V2। आई कैन लीव इट टू यू, खाली फॉर्मूला डालना, वैल्यू डालना, यू कैन कैलकुलेट। ठीक है, सो यू कैन फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ V1 एंड V2। वैसे अगर चाहो तो थोड़ा लिख देते हैं, चलो V1 क्या होता है देखते हैं। M1 माइनस M2, लेट अस मेक ओरल कैलकुलेशन। 6 माइनस 4 इज 2 by M1 plus M2 is 10, U1 into U1 is 4, ठीक है, plus 2 M2 कितना है? M2 is 4 kg, by M1 plus M2 is 10, into U2 कितना है? U2 is -2, थोड़ा सिंपलीफाई करें तो क्या मिल गया देखिए, तो ये 8 by 10, 0.8, माइनस, क्योंकि यहाँ पर एक माइनस साइन था, एक माइनस साइन था तो ये माइनस साइन इधर आएगा, माइनस ये भी 0.8 है, इनटू -2 हो गया, -1.6 इज -0.8 मीटर पर सेकेंड। क्या मतलब है? V1 इज कमिंग -0.8 मीटर पर सेकेंड है, हमारा केस में ये V1 कितना हो गया? -0.8, क्योंकि हम सारा वेलोसिटी को इस डायरेक्शन में दिए, मतलब वेलोसिटी कैसा होगा V1? V1 विल बी 0.8 मीटर पर सेकेंड, किस डायरेक्शन में होगा? ऐसा होगा। समझ में आ रहा है क्या? क्योंकि हमारा केस में सारा वेलोसिटी इस डायरेक्शन में था, U1, U2 were like this, V1, V2 were like this, हम U1, U2 का appropriate value ले लिए, M1, M2 ले लिए, पता चला V1 is coming negative, V1 is coming negative means V1 is in the opposite direction, similarly you can find out the value of V2 also, आप इसे V2 भी निकाल सकते हो। ठीक है, V2 भी निकाल सकते हो। Very good. Let us go for next question. इधर देखिए, ये question को आप आसानी से कर सकते हो। ये जो V1 और V2 का बड़ा बड़ा formula है ना, उस formula को लेके questions बहुत ही rarely आते हैं, क्योंकि इतना बड़ा formula का question अक्सर नहीं आता है, मैं देखा हूँ। It is from experience. कोई reason नहीं है कि क्यों नहीं आएगा, आता नहीं है usually. ठीक है? तो चलिए ये question को देखिए। A truck was moving with 6 meter per second. A ball was thrown towards it with 10 meter per second. Assume elastic head-on collision. Find with what speed ball bounces if it is thrown from back of the truck, from front of the truck. बस इसमें आपको ये समझ में आना चाहिए कि mass of the truck is very very large. Mass of the truck is very very large. So याद रखें कि for collision between a very heavy mass and a light mass,
कोई वेरी हेवी मास, मान लो कि ट्रेन मूव कर रहा है, ट्रक मूव कर रहा है, और एक लाइट मास, एक बॉल फेंक दिए, टकराएगा, टकराने से ट्रक का वेलोसिटी में कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं आएगा। तो आपको क्या याद रखना है, फॉर कोलिजन बिटवीन ए वेरी हेवी मास एंड ए लाइट मास द वेलोसिटी ऑफ हेवी मास डज नॉट चेंज, हेवी मास डज नॉट चेंज, हेवी मास का वेलोसिटी जो था वो ही रहेगा। ओ ये बात है, चलिए बीट नंबर वन में करता हूं, आप उसको आसानी से कर पाओगे। क्या हुआ है, बॉल को फेंका गया है ट्रक के पीछे से, ये हो गया ट्रक, सपोज दिस इज व्हाट इज द हेवी ट्रक गोइंग, क्या स्पीड में जा रहा था ट्रक, ट्रक वाज गोइंग विद स्पीड ऑफ 6 मीटर पर सेकेंड। आपने बॉल फेंका इसके तरफ, छोटा सा बॉल, कितने जोर से फेंक, 10 मीटर पर सेकेंड में, तो ये टकराएगा। टकराने के बाद अगर इलास्टिक हेडर को कोलिजन दिया है तो कोलिजन के बाद ट्रक का स्पीड तो वही रहेगा, ट्रक इज नॉट गोइंग टू चेंज इट्स स्पीड, व्हाई, बिकॉज़ इट इज अ वेरी हेवी मास, ऑब्वियसली द बॉल विल रिटर्न बैक विद सम वेलोसिटी वी। लेकिन इलास्टिक हेडर को कोलिजन है, अगर ये इलास्टिक हेडर को कोलिजन है तो आप क्या कहोगे, द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन एंड आफ्टर कोलिजन हैज टू बी सेम, they are not going to change, तो आप कहोगे relative velocity of approach is equal to relative velocity of separation, ठीक है ना। अगर यही करोगे तो आपको क्या मिलने वाला है, क्या मिलने वाला है, जितना स्पीड में पास आ रहा था उतनी स्पीड में दूर जाएगा, relative velocity of approach before collision is equal to relative velocity of separation after collision, मतलब टकराने से पहले approach क्या था, क्या था अप्रोच, ये दौड़ा रहा था 10 में, ये भाग रहा था 6 में, 10 माइनस 6, टकराने के बाद रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या था, इधर जा रहा था 6 में, ये इधर आ रहा था बी में, तो इट विल बी 6 प्लस बी, क्या आपको बी का वैल्यू मिल गया, यस बी इज कमिंग आउट टू बी, कितना हो गया बी, 10 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस बी, और 6 इधर आ जाएगा तो माइनस 6 हो जाएगा, मैं थोड़ा वैल्यू कम दे दिया, ये बॉल तो वहीं गिर जाएगा, है ना, भी का वैल्यू थोड़ा गड़बड़ा रहा है, यहाँ पर इसको मैं 10 की जगह 20 लेना चाहूंगा, इस केस में बॉल लगेगा और चिपक करेगा और बाद में गिर जाएगा, इट कैन नॉट बी ए कोलिजन लाइक दैट, मैं थोड़ा वैल्यूज में चेंज करना चाहता हूँ, आई वॉन्ट टू मेक इट 20 मीटर पर सेकेंड, ओके, बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड में फेंक दिए, अगर बॉल को 20 मीटर पर सेकेंड में फेंकेंगे तो क्या होगा, ये हो जाएगा 20 माइनस 6 इज इक्वल टू 6 प्लस बी, तो बी कितना हो गया 8 मीटर पर सेकेंड, द बॉल विल रिटर्न बैक विथ ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, क्या चीजें समझ में आ रहा है, द बॉल विल रिटर्न बैक विथ ए स्पीड ऑफ 8 मीटर पर सेकेंड, इज इट अंडरस्टूड, है ना। अच्छा अच्छा, अगर मैं केस बदल देता हूं, क्या था केस, बॉल इज थ्रोन फ्रॉम द फ्रंट ऑफ द ट्रक, ये चीज को शायद आप लोग कर लो, क्या है, बॉल ट्रक जा रहा था और बॉल को सामने से फेंका गया, ये है ट्रक, ट्रक वाज मूविंग विद 6 मीटर पर सेकेंड, है ना, ट्रक वाज मूविंग विद 6 मीटर पर सेकेंड, और आपने बॉल को फेंका कितने में, 20 मीटर पर सेकेंड में, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ, अगर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ तो कोलिजन के बाद ट्रक का वेलोसिटी तो वही रहेगा जो था, आपको पता करना है कि बॉल का वेलोसिटी क्या होगा, ऑब्वियसली द बॉल विल गो इन दिस डायरेक्शन, है ना, तो बॉल विल गो इन दिस डायरेक्शन, तो देखो तो इसमें ये हो गया 20 मीटर पर सेकेंड इधर को, और ये हो गया वी, ये हो गया 6, हाँ, फिर से आप कहोगे फ्रंट से फेंका गया था, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन, क्या आप आंसर बता सकते हो, क्या होगा भी का वैल्यू, बस ध्यान रखना है कि हेवी मास का वेलोसिटी बरकरार रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, तो क्या लिखेंगे इक्वेशन बताइए, हियर इट वाज 20 प्लस 6, दे आर कमिंग क्लोज टुवर्ड्स ईच अदर, है ना, 20 प्लस 6 में, अभी क्या स्पीड में एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, भी माइनस 6, तो भी कितना हो गया 32 मीटर पर सेकेंड, क्या सबको समझ में आया, अंडरस्टूड और नॉट अंडरस्टूड, यस अंडरस्टूड, ये yes.
चलिए आगे बढ़ते हैं। ए ब्लॉक ऑफ मास 6 केजी वाज एट रेस्ट, अनदर ब्लॉक ऑफ 4 केजी मूविंग विद 10 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स इट इलास्टिक हेड ऑन, फाइंड द स्पीड ऑफ 6 केजी आफ्टर कोलिजन। ये तो सिंपल क्वेश्चन हो गया। क्या दिया है? कोई एक ब्लॉक था, कि ये ब्लॉक था मास कितना था 6 केजी का था, और क्या हुआ कोई एक दूसरा ब्लॉक जो कि 4 केजी का था वो कितना स्पीड में जा रहा था, इट वाज मूविंग विद समथिंग लाइक 10 मीटर पर सेकंड स्ट्राइक्स। ये ब्लॉक जो रेस्ट में था उसको स्ट्राइक किया, इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हुआ। पूछा है कोलिजन के बाद 4 केजी का क्या होगा मालूम नहीं है, पूछा है हमें 6 केजी का वेलोसिटी बताओ, ऐसे पूछा है। वी कॉल इट यूजुअली V2, ये V1 है, ये 4 केजी है, हमें V2 पूछा गया है। क्या आप वैल्यूज लिख सकते हैं यहाँ पर? आप कहोगे M1 इज 4 केजी, U1 इज 10 मीटर पर सेकेंड, M2 इज 6 केजी और U2 कितना है, U2 इज 0। यहां से आपको V2 निकालना है। क्या V2 का फॉर्मूला अभी आपको याद है? V2 का फॉर्मूला थोड़ी देर पहले हम लोग निकाले थे, यहाँ पर क्या निकाले थे देखो तो V2 का फॉर्मूला ये था, V2 वाज दिस, ये था V2 का फॉर्मूला। ठीक है चलिए V2 का फॉर्मूला निकालते हैं, V2 का फॉर्मूला डालते हैं यहाँ पर, क्या आ रहा है देखो तो ये V2 इज कमिंग दिस, ये आ गया V2 का फॉर्मूला आपके सामने। अब ये फॉर्मूला हम लोग ऑलरेडी डिराइव कर चुके हैं, फॉर्मूले को डायरेक्टली यूज करेंगे। आप सीधे सीधे लिख सकते हो V2 का वैल्यू क्या आएगा, कितना आएगा, वैसे तो U2 जीरो है तो ये क्वांटिटी हो गया जीरो, प्लस 2M1 मतलब 2×4 पाई M1 प्लस M2, M1 प्लस M2 इज 10, U1 कितना है, U1 इज 10, वाओ U1 इज 10, तो काट पीट के छोटा हो गया, मिल गया 8 मीटर पर सेकेंड। तो आपको हो गए योर 6 केजी मास विल मूव विद 8 मीटर पर सेकेंड। डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करना है, कोई दिमाग लगाने वाली बात नहीं हुआ। ठीक है अभी तक जितने क्वेश्चन किए हम लोग डायरेक्ट फॉर्मूला जो ऑलरेडी डिस्कवर्ड लॉजिक है उसको यूज करके किए, कुछ नया आइडिया नहीं लगाया, लेकिन आगे आगे आपके दिमाग के ऊपर लोड पड़ने वाला है। चलिए सोचते हैं ये क्वेश्चन में देखिए, यहाँ पर 3 मास रखा गया है M1 M2 M3 M2 एंड M3 आर एट रेस्ट। M1 को कुछ एक u वेलोसिटी में इधर फेंका गया, M1 वाज थ्रोन विद ए वेलोसिटी u1 इन दिस डायरेक्शन, क्या होगा ये इसको मारेगा, इसको मारेगा, दोनों तीनों के बीच में मारपीट होगा। पूछा है कितनी बार कोलिजन होगा, ये अस्यूम कर लो कि सारा कोलिजन इलास्टिक हेड ऑन है, तो जितनी बार कोलिजन होगा ठीक ठाक ठुक आवाज आएगा, कितने बार ठीक ठाक ठुक आवाज आएगा आपको बता रहा है। हाउ मेनी कोलिजंस विल टेक प्लेस इफ, कंडीशन क्या दिया है, M1 इज इक्वल टू M2 इज इक्वल टू M3, दूसरा है M1 इज मच ग्रेटर देन M2 एंड M2 इज इक्वल टू M3, तीसरा है M1 इज इक्वल टू M2 एंड बोथ ऑफ देम आर वेरी स्मॉल एज कंपेयर टू M3। हर एक केस में आपको पता करना है हाउ मेनी कोलिजंस विल टेक प्लेस। क्या आप लोग थोड़ा ट्राई करना चाहोगे ऐसा क्वेश्चन को, बहुत ही आसानी से ट्राई कर सकते हो आप लोग, थोड़ा सा अगर मेहनत करोगे तो बन जाएगा आपसे। सोचो इफ यू कैन डू, थोड़ा सा दिमाग लगाओगे बन जाएगा, थोड़ा सा दिमाग चाहिए, बस क्या क्या लॉजिक याद रखना है वो सारा लॉजिक को डायरेक्टली यूज करना है। इफ मासेस आर इक्वल देन टच देयर वेलोसिटीज, दूसरा हुआ इफ वन मास इज वेरी हैवी मास विल नॉट चेंज इट्स वेलोसिटी, जो वेलोसिटी था वही वेलोसिटी रहेगा। तो आप लोग थोड़ा ट्राई करो, मैं करता हूं फिर दूसरा आपको करने के लिए स्कोप दूंगा, आप लोग सोचोगे। सॉल्यूशन लिखता हूं, हमें पता करना है कि हर एक केस में हाउ मेनी कोलिजंस होंगे। चलो ये M1 है, ये M2 है, ये M3 है और तीनों बराबर है, ऐसे दिया है। हम बात कर रहे हैं केस ए का, आप लोग थोड़ा ध्यान से देखो क्या हुआ। शुरू शुरू में M1 का वेलोसिटी U1 है, इधर को M2 का वेलोसिटी 0 है ना, M2 का वेलोसिटी 0 है और ये इसका वेलोसिटी 0 है, दोनों में टकराव होगा, टकराव होगा तो दे आर लाइक मासेस, दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, इसका वेलोसिटी ये ले लेगा और ये इसका वेलोसिटी ले लेगा, मतलब ये रुक जाएगा, ये इधर जाएगा U1 में, ये अभी रुका हुआ है, अब ये जाएगा इसको मारेगा,
ये दोनों फिर से बराबर मास है, ये तो पहले से बैठा हुआ था, ये हुआ फर्स्ट कोलिजन। दूसरे कोलिजन किसके किसके बीच में होगा? 2 और 3 के बीच में होगा। 2 और 3 के बीच में होगा तो दोनों लाइक मास होने के कारण ये रुक जाएगा, ये जाएगा U1 में। क्या इसके बाद और कोलिजन होंगे? नहीं होंगे, क्योंकि तीसरा वाला भाग जाएगा। हाउ मेनी कोलिजन टेकिंग प्लेस? ओनली 2 कोलिजन टेकिंग प्लेस। सो ऑप्शन ए का आंसर हुआ 2। क्या तरीका समझ में आया? ऑप्शन ए का आंसर हुआ 2। तो आप कहोगे आंसर हो गया 2। सिमिलरली हमें सोचना है ऑप्शन बी में क्या होगा। लिखने का तरीका वही है, M1 है, M2 है और M3 है। M1 is much greater than M3, M2 और M2 और M3 दोनों बराबर साइज के हैं। शुरू शुरू में इसका वेलोसिटी है u, इधर को इसका कोई वेलोसिटी नहीं है, इसका कोई वेलोसिटी नहीं है। सोचो हाउ मेनी कोलिजंस विल टेक प्लेस। ये हेवी मास है, टकराने के बाद इसका वेलोसिटी में कोई बदलाव आएगा क्या? नहीं, ये फर्स्ट कोलिजन होगा 1 और 2 के बीच में। और जब हेवी मास कोई लाइट मास को मारता है, क्या प्रीवियस क्लास हम लोग ऐसे कुछ पढ़े थे, फिर ट्रेन मूविंग विथ वेलोसिटी u स्ट्राइक्स इट बॉडी एट रेस्ट ऑन इट्स ट्रैक विद व्हाट वेलोसिटी दैट बॉडी इज थ्रोन टू यू, बताए थे। तो हम कहेंगे अगर ये जाके इसको मारेगा, M2 is very small, तो relative velocity of approach, velocity of separation बराबर होना चाहिए। Approach क्या था? U। अब बाद में टकराने के बाद भी ये जा रहा है U में, तो इसको भागना है 2U में, तभी जाके relative velocity of separation same होगा। और ये तो बैठा हुआ है, पहला collision हो गया। क्या और collision होगा? हाँ होगा। किसके किसके बीच में होगा? सेकेंड और थर्ड के बीच में होगा, क्योंकि 2U में जा रहा है, ये U में जा रहा है, इन दोनों के बीच में तो नहीं हो सकता, ये धीरे धीरे जा रहा है, जल्दी जल्दी जा रहा है। तो इसका तो U बरकरार है, ये 2U में जाके इसको मारेगा, दोनों मास बराबर है। अब दे विल अगेन इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, ये रुक जाएगा, ये भागेगा कितने में? 2U। क्या और कोलिजन होगा? हाँ, ये पीछे से आ रहा था, ये पीछे से आ रहा था, दोबारा इसको मारेगा, है कि नहीं? दोबारा इसको मारेगा तो क्या हो जाएगा? फाइनली यू विल सी, फाइनली दिस थर्ड केस में आई एम टॉकिंग अबाउट कि थर्ड कोलिजन, थर्ड कोलिजन में यू टकराने के बाद तो बरकरार रहेगा, इसका हो जाएगा फिर से 2U। अब ये आगे वाला जा रहा है 2U में, क्या अभी और कोई कोलिजन होगा? इन दोनों के बीच में तो नहीं हो सकता, इन दोनों के बीच में भी नहीं हो सकता, देयर बी ओनली 3 कोलिजंस। इज इट अंडरस्टूड? क्या सबको समझ में आ रहा है? देयर विल बी ओनली 3 कोलिजंस, यस। तो आंसर हो गया 3, देयर विल बी 3 कोलिजंस। तो मेरे लिए आप एक बिट बनाओ, तीसरा बिट में क्या दिया है? M1 is equal to M2 and both of them are very small as compared to M3. How many collisions will take place? Thinko, ठीक है? Okay, तीसरे बिट के आंसर में कुछ लोग बोले 2, कुछ लोग बोले 3, कुछ लोग बोले 4. चलिए देखते हैं, M1 is equal to M2 which is much lesser than M3. I go for the case. M1, बिट C की बात कर रहे हैं। M1 is equal to M2 is much lesser than M3. शुरू शुरू में इसका स्पीड था U, इसका 0, इसका 0। पहला कोलिजन होगा M1 M2 के बीच में, बराबर मास होने के कारण ये रुक जाएगा, ये U में जाएगा, शायद सबको ये समझ में आ गया। Is it understood? Yes. तो आगे देखो, अब कोलिजन किसके किसके बीच में होगा? सेकेंड और थर्ड के बीच में कोलिजन होगा, सेकेंड और थर्ड के बीच में कोलिजन होगा। थर्ड टकराने के बाद भी हेवी मास होने के कारण उसका वेलोसिटी बरकरार रहेगा, ये भी मास है, ये तो जीरो था, ये भी मास है, बरकरार रहेगा। अब इसका वेलोसिटी क्या होगा? बीच वाले का वेलोसिटी क्या होगा? सोचो, जितना वेलोसिटी में पास गया था उतनी वेलोसिटी से दूर भागेगा। व्हाट वाज द वेलोसिटी ऑफ अप्रोच? यू। अब वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन होना है यू, मतलब थर्ड ये बीच वाले को इधर भागना पड़ेगा यू में, तभी वेलोसिटी ऑफ अप्रोच विल बी इक्वल टू वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन। क्या समझ में आ रहा है? जितना स्पीड में पास आएगा उतनी स्पीड में दूर जाएगा, फिर ये आएगा आके इसको मारेगा, देयर विल बी थर्ड कोलिजन बिटवीन फर्स्ट एंड सेकंड। ये जब इसको मारेगा, अगेन दे आर लाइक मासेस, दे विल शेयर देयर वेलोसिटीज, और ये भागेगा इधर। क्या और कोलिजन होगा? नहीं होगा। सो वी फाइंड टोटल नंबर ऑफ कोलिजंस इज 3, 3 कोलिजन, जो लोग 3 बोले थे उनका आंसर सही है। ओके, समझ में आ गया? किसी को दोबारा एक्सप्लेनेशन चाहिए? नहीं चाहिए?
क्योंकि बहुत सिंपल था, आप लोग ध्यान से देखोगे तो समझ में आ जाएगा। ऐसे समझ में, चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन। ए ब्लॉक ऑफ मास 2 kg मूविंग विद सम स्पीड u, कितना स्पीड में मालूम नहीं है u में, स्ट्राइक्स इलास्टिक हेड ऑन टू ए ब्लॉक ऑफ मास कैपिटल m एट रेस्ट आफ्टर कोलिजन। आफ्टर कोलिजन द ब्लॉक्स मूव विद इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी, ठीक है, फाइंड m। ओहो, तो बड़ा खतरनाक क्वेश्चन है। चलिए थोड़ा देखते हैं क्या बोल रहा है। दिस इज वेरी ओल्ड जेई क्वेश्चन बट इट्स अ वेरी सिंपल क्वेश्चन। क्वेश्चन पढ़ के समझ लेना चाहिए आपको। देखो क्या दिया है इसमें, क्या दिया है, दिया है क्या दिया है इसमें, दिया है कि कोई 2 kg का ब्लॉक था, ऐसा था 2 kg का ब्लॉक, ये 2 kg का ब्लॉक कुछ स्पीड में जा रहा था, कितना स्पीड मालूम नहीं। दूसरा ब्लॉक जो रेस्ट में था वो था m और दोनों के बीच में इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन हो गया। जैसे कोलिजन हो गया, कोलिजन के बाद दोनों ब्लॉक इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी में गए। इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी में मतलब 2 kg इधर गया होगा और m kg इधर गया होगा, कितना वेलोसिटी में वो मालूम नहीं बट इक्वल एंड अपोजिट वेलोसिटी में गए। पूछा m बताओ, ठीक है। अच्छा, पहले u और v में कोई रिलेशन ला सकते हैं क्या, कहेंगे कि रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ अप्रोच बिफोर कोलिजन मोर इक्वल टू रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन आफ्टर कोलिजन। अप्रोच क्या था, u, u स्पीड में आ रहा था क्योंकि ये रेस्ट में था। सेपरेशन क्या था, इधर जा रहा है v में, ये इधर जा रहा है v में, व्हाट इज द रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन, 0 और v और 2v, रिलेटिव वेलोसिटी ऑफ सेपरेशन क्या है, 2v, एक दूसरे से 2v स्पीड में दूर जा रहे हैं। चलो ये इक्वेशन हमें मिल गया, चलिए इसको रखते हैं अपनी जगह। दूसरा चीज है कि अगर ये इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन है या फिर नहीं भी है, कोई भी कोलिजन के केस में यू नो द मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू मोमेंटम आफ्टर कोलिजन, है कि नहीं। तो आप कहोगे टी बिफोर, मोमेंटम बिफोर कोलिजन इज इक्वल टू टी आफ्टर कोलिजन। बिफोर कोलिजन क्या था, इट वॉज टू यू, ओनली दिस वॉज मूविंग, दिस वॉज एट रेस्ट। After collision, इसका momentum है mv, इसका momentum है 2v, तो एक दूसरे का opposite है, तो minus करना पड़ेगा। आपको सोच के बताना है क्या लिखेंगे हम लोग, 2v minus mv और mv minus 2v, सोचना है, mv minus 2v लिखेंगे कि 2v minus mv लिखेंगे। ध्यान रहे momentum before and momentum after are same, मतलब momentum का magnitude भी same है, direction भी same है। Initially momentum किधर को था, इधर को, final को भी net momentum इधर को रहेगा, इसका मतलब ये बड़ा रहेगा ये छोटा रहेगा, तो हम लिखेंगे mv minus 2v, तो u के जगह अगर हम 2v लिख देते हैं ये हो गया 4v, that is equal to m minus 2 into v। क्या इसमें से हमें m का वैल्यू मिल गया, यस 6 kg, वैल्यू ऑफ m इज 6 kg, समझ में आया, अरे समझ में आ रहा है कि नहीं, अंडरस्टैंडिंग और स्टैंडिंग अंडर, हाँ स्टैंडिंग अंडर मतलब ऊपर से जा रहा है, ठीक है, आ गया समझ में। अगला क्वेश्चन, ये क्वेश्चन को देखिए, इनसाइड ए हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्यूब, एक ट्यूब है, हॉरिजॉन्टल सर्कुलर ट्यूब है, और देयर आर टू सिमिलर बॉल्स, दोनों बॉल सिमिलर है, दोनों का मास m है, सोचो दोनों का मास m है, थ्रोन फ्रॉम पॉइंट ए, ए सोन, यहां से बॉल दोनों को फेंका गया, आपको दिख रहा होगा एक बॉल को फेंका गया v में, दूसरे को फेंका गया 2v में, एक बॉल को फेंका गया v में, दूसरे को फेंका गया 2v में, और ये आएंगे इधर से आएगा, इधर से आएगा, दोनों एक दूसरे के साथ टकराएंगे, देयर बी ए हेड ऑन कोलिजन, हेड ऑन इलास्टिक कोलिजन, दिया है कि अस्यूम ऑल कोलिजंस बी इलास्टिक हेड ऑन। देन पूछा है कितने बार कोलिजन होने के बाद फिर से वो लोग ए पे एक दूसरे को मिलेंगे, कितने बार कोलिजन होने के बाद वो दोनों ए पे फिर से एक दूसरे को मिलेंगे। मान लो ये दोनों आएंगे, कहीं टकराएंगे, फिर टकराएंगे, फिर टकराएंगे, फिर से ए पे टकराएंगे, कितने कोलिजन के बाद दे विल मीट ईच अदर एट ए, आपको निकालना है। थोड़ा सा आप सोचो तो फिर उसके बाद मैं करता हूं। लेट अस सी दिस क्वेश्चन, से वेरी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। चलिए पहले सोचते हैं कि पहला कोलिजन कहां पर होगा, दूसरा कहां पर होगा, तीसरा कहां पर होगा, सोचते हैं।
मैं ये फिगर को थोड़ा सा कॉपी करना चाहूंगा और लेके इसको एक दूसरे पेज में बनाऊंगा। ठीक है, ये हो गया पहला केस, ले लिए इसको। चलिए इसको लेते हैं इधर, और ये हो गया पहला, ये दूसरा। चलिए देखते हैं अब क्या हुआ है कि ये कोलिजन होगा, पहला कोलिजन। देखो ये भी स्पीड में जा रहा है, ध्यान से देखो, ये भी स्पीड में आ रहा है, ये टू भी में आ रहा है। जब दोनों एक दूसरे को मिलेंगे, दोनों एक दूसरे को मिलेंगे तो कहां पे मिलेंगे, वेयर दे विल मीट। ये कुछ दूर गया होगा, ये जितना दूर गया होगा ये डबल दूर गया होगा, नहीं? चलो ये दोनों बॉल का नाम दे देते हैं पी एंड क्यू। पी इधर गया, क्यू इधर गया, पी इधर से आएगा, क्यू इधर से आएगा। ध्यान से देखना, पी जितना दूर जाएगा क्यू डबल डिस्टेंस जाएगा, क्योंकि डबल स्पीड है, डबल डिस्टेंस जाएगा। मतलब पी जितना एंगल करेगा क्यू डबल एंगल करेगा। सोचो तो पी कितना एंगल करने के बाद क्यू के साथ मिलेगा। ये एंगल अगर थीटा है, ये एंगल कितना होगा, टू थीटा। थ्री थीटा इज 160 डिग्री, तो थीटा कितना है 120 डिग्री। तो पता चला द टू बॉल्स विल स्ट्राइक ईच अदर समवेयर हियर। यहां पर पहला कोलिजन होगा, पहला कोलिजन के बाद पी इधर से आ रहा था, पी वॉज कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड क्यू वॉज कमिंग फ्रॉम दिस साइड एंड दे आर लाइक मासेस। ये क्यू है, ये पी है, लाइक मासेस टकराएंगे। पी कितना स्पीड में आ रहा था, यू में, सॉरी भी में। क्यू आ रहा था टू भी में, टकराव होगा तो पी कितने में वापस जाएगा, टू भी में। क्यू कितने में इधर जाएगा, भी में, बिकॉज दे आर लाइक मासेस। ये क्या हुआ आफ्टर फर्स्ट कोलिजन, क्या सबको समझ में आया? आफ्टर फर्स्ट कोलिजन पी इधर जाएगा टू भी में, क्यू इधर जाएगा भी में, समझ में आया क्या? ठीक है, अगर ये समझ में आ गया, फिर से दोबारा कोलिजन कहां पर होगा, क्यू इधर जा रहा है भी में। अब क्यू जब जाएगा जितना दूर, पी जाएगा डबल डिस्टेंस, मतलब अगेन दे विल मीट समवेयर हियर, अगेन दे विल मीट समवेयर हियर, है कि नहीं? कितना दूर पे, यहां पे पहला कोलिजन हो चुका है, कहां पे पहला कोलिजन हो चुका है, यहां पे कहीं पहला कोलिजन हो चुका था। ठीक है, तो ये एंगल कितना होगा कोई बता सकता है क्या? अगेन इट विल बी 120 डिग्री। ये कौन सा बॉल है, ये कौन सा बॉल है, क्यू है जो नीचे से आ रहा था, ये कौन सा बॉल है, पी है। पी कितना स्पीड में आ रहा था, पी आ रहा था टू भी में, क्यू जा रहा था भी में, कोलिजन हुआ। अब अगेन दे विल इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, क्यू का वेलोसिटी इधर को कितना होगा और पी का वेलोसिटी कितना होगा सेकेंड कोलिजन के बाद। बात चल रहा है आफ्टर सेकेंड कोलिजन, आफ्टर सेकेंड कोलिजन क्यू का स्पीड होगा टू भी, पी का स्पीड होगा भी। दो कोलिजन हो चुका है, नहीं? फिर से कब मिलेंगे, जब पी जितना दूर जाएगा क्यू डबल जाएगा, मतलब ये 120 डिग्री गए थे, फिर से ये 120 डिग्री जाएगा, यहाँ पे दिस एंगल विल बी अगेन 120 डिग्री, अगेन दोनों आएंगे यहाँ पर मिलेंगे। सो कितने नंबर कोलिजन पे दोनों एक दूसरे को मिल रहे हैं, फिर से थर्ड कोलिजन में, दे मीट इच अदर एट दी थर्ड कोलिजन। समझ में आया क्या, क्या लिखेंगे सोल्यूशन में? सो दे मीट इच अदर एट सेम पॉइंट एट ए ड्यूरिंग थर्ड कोलिजन। कितने कोलिजन के बाद, दो कोलिजन के बाद, दो कोलिजन के बाद वो एक दूसरे को मिलेंगे ड्यूरिंग द थर्ड कोलिजन। कहां पे, जिस पॉइंट से निकले थे उसी पॉइंट पे, मतलब ए पे। सो दे विल मीट अगेन इच अदर ड्यूरिंग द थर्ड कोलिजन। समझ में आया सबको, इज इट अंडरस्टूड? यस। तो इलास्टिक हेडर कोलिजन के ऊपर इतने सारे क्वेश्चन हम लोग देख लिए, अभी हम लोग देखेंगे इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन। ठीक है, इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन मतलब हेड ऑन नहीं हो रहा है तो कैसे करेंगे। हेड ऑन कोलिजन का फंडामेंटल अगर आपको मालूम है, ओब्लिक कोलिजन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगा। लेकिन ओब्लिक कोलिजन का एक सिंपल सा केस बहुत ही रेगुलरली आता है, उस केस को हम लोग पहले देखेंगे। ठीक है, इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन। ठीक, तो पहले लेट मी राइट द केस।
एक टिपिकल केस आता है इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन बिटवीन एनी टू मासेस, कैसा भी मासेस हो सकता है, लेकिन हम लोग एक टिपिकल, ज्यादा टिपिकल केसेस नहीं लेंगे, एक सिंपल केस लेंगे जो बुक में आपका है, नहीं तो उसमें क्वेश्चन काफी लेंथी हो जाते हैं, ठीक है, आसानी से नहीं बनता। तो क्या लिखेंगे, इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन, ओब्लिक कोलिजन किसको कहते हैं, ओब्लिक कोलिजन का मतलब हुआ कि दो द मोशन द लाइन ऑफ मोशन ऑफ द मूविंग बॉडीज वाज नॉट अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास, ठीक है, इफ लाइन ऑफ मोशन आर अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास देन इट इज कॉल्ड हेड ऑन कोलिजन। आज की क्लास करने से पहले आपको प्रीवियस क्लास की वीडियो पक्का देख लेना चाहिए, जो लोग नहीं देखे उनको थोड़ा तकलीफ होगा, प्रीवियस क्लास का वीडियो पक्का देख लेना। तो मैं यहां पर एक टिपिकल केस लेता हूं, ए मास एम मूविंग विथ ए स्पीड यू स्ट्राइक्स इलास्टिकली एंड ओब्लिकली टू अनदर मास Another mass m at rest, दोनों मास बराबर दिया गया, ये टिपिकल केस स्टडी, आई कॉल इट ए केस वन। ऐसे ढेर सारे केस बन सकते हैं, दोनों मूव कर रहे थे, एक मूव कर रहा था, बड़ा मास था, छोटा मास था, आसपास के मास थे, लेकिन जो सिंपल टिपिकल केस है ये क्या है कि यहां पर कोई एक मास m जो u स्पीड में जा रहा था वो जाके इलास्टिकली किसी एक बॉडी को स्ट्राइक किया, कौन सा बॉडी को, जिसका मास भी m था, दोनों का मास m था, लेकिन द अदर बॉडी वाज एट रेस्ट। लेट मी गिव यू अ सिंपल केस, सपोज हम कहेंगे कि यहां पे कोई एक मास रखा हुआ है, मास m, और सपोज ये कोई एक दूसरा मास है जो u स्पीड में मूव कर रहा है, चलो ये ऐसे मूव कर रहा है u स्पीड में, ठीक है, दिस इज मूविंग विद स्पीड u, अब ये जाके इसको यहीं पे कहीं मारेगा, तो ये मोशन जो है क्या होगा, ये इलास्टिक हेड ऑन नहीं होगा, इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन होगा, हमारा कैलकुलेशन आसान हो जाएंगे क्योंकि हम अस्यूम किए दोनों मास बराबर है, ये मास m है, ये मास m है, दोनों का मास बराबर है, और कहां पर ये मार रहा है, चलिए थोड़ा वो भी बता देते हैं कि कहां पर मार रहा है, ये इलास्टिकली नहीं मार रहा है, ये ओब्लिकली मार रहा है, हेड ऑन नहीं मार रहा है, यहां पे कहीं मार रहा है, कहां पे मार रहा है उस पोजीशन को थोड़ा स्पेसिफाई कर देते हैं, चलो मानते हैं कि ये यहां पे कहीं मार रहा है जहां पे ये वर्टिकल के साथ कुछ एंगल थीटा कर रहा है, आई जस्ट अस्यूम एवरीथिंग, सपोज ये थीटा एंगल कर रहा है, दोनों मास बराबर है, ये मास रेस्ट में था, ये मास रेस्ट में था, ये मास m है, ये मास भी m है, और ये इसको मार, वेल ये दोनों मास m है, ये मास भी m है, चलिए अब क्या हो रहा है देखते हैं, जब ये एक मास दूसरे मास को मार रहा है तो क्या हो रहा है, ये रेस्ट में था, ठीक है, ये मास रेस्ट में था, ये मास m है, ठीक, अब देखो इसके पास जो मोमेंटम था, जो वेलोसिटी था, किसका, छोटे मास का, छोटे मास मतलब स्मॉल बॉल, दोनों का मास तो बराबर है, जो वेलोसिटी था इसको मैं दो डायरेक्शन में रिजल्व कर सकता हूं, आई कैन से कि ऐसा वेलोसिटी था और जो कि टेंजेंट था इसको, एक ऐसा वेलोसिटी था जो कि टेंजेंट था, और एक वेलोसिटी था ऐसा जो कि नॉर्मल था, देयर वर टू वेलोसिटीज एसोसिएटेड विद m, क्योंकि वेलोसिटी इज अ वेक्टर क्वांटिटी, इसके पास दो मोमेंटम थे, अगर ये एंगल थीटा है, ये एंगल थीटा है, सोचो तो ये एंगल भी तो थीटा है, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, ये एंगल होगा थीटा, ये एंगल होगा 90 माइनस थीटा, यस ये मालूम है, काफी स्कूल में ये चीजें नहीं पढ़ाएंगे, लेकिन है स्कूल कोर्स में, बच्चे भी जानते हैं, टीचर भी जानते हैं कि क्लास 11 बोर्ड नहीं है, अपना खुद कोचिंग सेट करना है, पास करवाना है, खत्म, सो जितना पढ़ाएंगे उतना डालेंगे, लेकिन आपको पूरा कोर्स पढ़ना है, अगर मैं स्कूल को सेटिस्फाई करने के लिए पढ़ाऊंगा तो यू विल सी मोर देन 40-50% कोर्स विल बी स्किप्ड, स्कूल में जो चीजें नहीं पढ़ाएंगे। एनीवे अब इसके पास जो वेलोसिटी था u, u का ये कंपोनेंट कितना है, u का ये कंपोनेंट कितना है, u cos थीटा, u का ये वाला कंपोनेंट कितना है, u sin थीटा, सोचो
ये बॉल के पास मान लो यू साइन थीटा वाला वेलोसिटी नहीं होता, सिर्फ यू कॉस थीटा होता, तो ये बॉल तो टेंजेंशियली निकल जाता, उनके बीच में कोई कोलिजन नहीं होता। नहीं, कोलिजन तो इसलिए हो रहा है, क्यों? क्योंकि यू साइन थीटा के लिए, मतलब अगर u sin थीटा नहीं होता तो दोनों के बीच में कोई कोलिजन नहीं होता, ये बॉल ऐसे रह जाता, ये इधर बाल बाल निकल जाता। लेकिन अभी कोलिजन होने वाला है, अब अगर कोलिजन होने वाला है, हाउ थिंग्स आर गोइंग टू चेंज, कोलिजन कौन सा कंपोनेंट के लिए हो रहा है, तो हम कहेंगे कोलिजन इज ड्यू टू व्हिच कंपोनेंट कोलिजन इज टेकिंग प्लेस। आपको ये सोचना है कौन सा कंपोनेंट के चलते कोलिजन होने वाला है। थोड़ा ध्यान से देखो, यहां से देखो, अब क्या हुआ, जब कोलिजन हुआ ये जो बॉल है टकराया, ये बॉल के पास दो वेलोसिटी था, अगर सिर्फ यही वेलोसिटी होता तो इसका वेलोसिटी में कोई फर्क नहीं पड़ता, इसमें भी कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि कोलिजन ही नहीं होता। इसका मतलब आफ्टर कोलिजन क्या होने वाला है, थोड़ा ध्यान से देखो, आफ्टर कोलिजन ये जो कंपोनेंट है किसका है, हमें फिगर को थोड़ा बदल देता हूं, थोड़ा मैं बदल देता हूं फिगर को तो आपको समझ में आएगा। लेट मी थ्रो दिस थिंग्स आउट, ठीक है। अब मैं कहूंगा ये चलो तुम लोग छुट्टी हो गया, ये छुट्टी। अब देखो कैसा हो रहा है, कोलिजन के बाद जब ये बॉल आके कुछ यहां पे पहुंचा, बॉल आके कहां पे पहुंचा, यहां पे पहुंचा, कौन सा, छोटा वाला बॉल आके यहां पे पहुंचा, ये बॉल के पास दो वेलोसिटी था, जस्ट मारने से पहले, ध्यान से देखो, जस्ट मारने से पहले बॉल के पास दो वेलोसिटी था, एक वेलोसिटी ऐसा था, कितना वेलोसिटी, u sin थीटा, और एक वेलोसिटी ऐसे था, कितना वेलोसिटी, u cos थीटा, इसका भी मास m है, इसका भी मास m है, और ये वेलोसिटी कितना है, u sin थीटा। क्या आप गेस कर पा रहे हो, बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी दोनों के बीच में क्या कोलिजन होने वाला है, हेड ऑन कोलिजन होने वाला है, बिकॉज ऑफ दिस कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी देयर बी नो कोलिजन, है कि नहीं। अगर इन दोनों के बीच में कुछ कोलिजन होगा तो इट इज बिकॉज ऑफ यू साइन थीटा व्हिच विल बी हेड ऑन कोलिजन। अगर ये बात है तो सोचो क्या होने वाला है इसके बाद, आगे क्या होने वाला है। ये था पहला केस, हम लोग देख लिए और समझ गए। फिर पहला केस को हम लोग थोड़ा और रिजर्व किए तो पता चला कि कुछ ऐसा केस बन गया। अब तीसरा केस में देखिए क्या हो रहा है, तीसरा केस में अगर देखेंगे तो हम कहेंगे कि जस्ट ए मिनट, तीसरा केस में यस, नाउ सी इन द थर्ड केस व्हाट हैपेंस इन द थर्ड केस, जस्ट सी। तीसरा केस में जैसे कोलिजन हुआ दोनों के बीच में, दोनों का मास बराबर है तो क्या होगा, दोनों के बीच में हेड ऑन कोलिजन हो रहा है यू साइन थीटा के लिए, तो होगा क्या, ये दोनों अपना वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेंगे, इसका वेलोसिटी क्या था, जीरो था, मतलब ये अब इधर जाने लगेगा यू साइन थीटा में, और ये इसका इस डायरेक्शन में वेलोसिटी बंद हो जाएगा, देयर बी नो वेलोसिटी इन दिस डायरेक्शन। अरे वेटिंग, कोलिजन के बाद इसके पास इधर को वेलोसिटी होगा यू साइन थीटा, इसके पास इधर को कोई वेलोसिटी नहीं होगा, और इसके पास इधर को वेलोसिटी होगा यू कॉस थीटा। क्या आप ध्यान से देख सकते हो कि जो दोनों बॉल के पास जो वेलोसिटीज है वो वेलोसिटी के बीच में एंगल कितना है, अभी और रेस्ट में नहीं है, नाउ दिस इज नो मोर एट रेस्ट, है ना, ये रेस्ट में नहीं। अब क्या आप देख पा रहे हो कि दोनों के बीच में क्या वेलोसिटी हो रहा है, व्हाट इज द एंगल बिटवीन द टू वेलोसिटीज, ये u cos थीटा में जा रहा है, ये u sin थीटा में जा रहा है, यूजुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहे हैं, समझ में आ रहा, दे आर मूविंग इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शन। तो स्कूल वाले नहीं पूछेंगे, डोंट ट्राई टू मेक नोट्स, ट्राई टू अंडरस्टैंड व्हाट इज हैपनिंग। तो ये है हमारा केस स्टडी, व्हेन ए मास m मूविंग विद स्पीड u स्ट्राइक्स इलास्टिकली एंड ऑब्लिकली टू अनदर मास m एट रेस्ट। तो क्या होता है, क्या होता है अभी हम नोट करेंगे। बिट नंबर वन, आफ्टर कोलिजन द बॉल्स मूव, आफ्टर कोलिजन द बॉल्स मूव इन म्यूचुअली
perpendicular directions. Perpendicular directions. क्या ये नहीं हुआ क्या? हाँ अभी भी तो देखिए, after collision they are moving in mutually perpendicular direction. फिर केस टू लेते हैं, केस वन में ही देखते हैं और क्या हो रहा है. सपोज ये जा रहा था यू में और कोलिजन हुआ, अब ये इधर गया कुछ वी वन में और ये बड़ा वाला बॉल चलो मानते हैं इधर गया वी टू में, तो वी वन का वैल्यू क्या था? इट वाज यू कॉस थीटा, ये क्या था? यू साइन थीटा. क्या रिलेशन है वी वन और वी टू में? थीटा कुछ भी हो सकता है, कहीं भी मारेगा थीटा बदल जाएगा. यहाँ पे मारेगा थीटा अलग होगा, यहाँ पे मारेगा थीटा अलग होगा, अलग अलग जगह पे थीटा का वैल्यू अलग अलग होगा, है कि नहीं? थीटा क्या था? वो डिपेंड करता था कि कहाँ पे मार रहा है. यहाँ पे मार रहा है तो थीटा ये था, और थोड़ा नीचे मारता तो थीटा का वैल्यू कुछ दूसरा होता. थीटा में भी डिफरेंट, बट देयर इज अ फिक्स्ड रिलेशनशिप बिटवीन वी वन वी टू एंड यू. हियर व्हाट वी नोटिस, व्हाट इज वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर? वी वन स्क्वायर प्लस वी टू स्क्वायर इज यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. U square cos square theta plus U square sin square theta. आप जानते हो इन दोनों में बहुत प्यार है, जब मिलते हैं एक हो जाते हैं. कौन? cos square theta and sin square theta एक हो गए तो क्या मिला? U square. So if a ball of mass m moving with speed u strikes another ball of mass m at rest elastically and obliquely after collision they will move in mutually perpendicular directions with velocities v1 and v2 such that v1 square plus v2 square is equal to u square. कहीं भी मारे फर्क नहीं पड़ता. लेकिन अगर ये इलास्टिक कोलिजन नहीं होता, हेड ऑन कोलिजन होता मतलब ये जाके सीधा इसको मारता तो क्या होता? ये रुक जाता, जीरो में जाता और ये जाता u में. अगर इलास्टिक हेड ऑन कोलिजन होता तो अपना वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेते. इलास्टिक ओब्लिक हो गया, दे विल मूव इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. आप ये ट्राई कर सकते हो, कोई एक कैरम का डॉट ले लो, एक सिमिलर डॉट से उसको हेड ऑन मारो. हेड ऑन मारोगे तो ये रुक जाएगा, ये भागेगा. टेढ़ा मारोगे तो ये इधर भागेगा. दे विल गो इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. समझ में आ रहा क्या? आप कैसे भी कितने भी जोर से मारो, दे विल गोइंग इन म्यूचुअली परपेंडिकुलर डायरेक्शंस. और ये v1, ये v2 और ये u में क्या रिलेशन रहेगा? v1 स्क्वायर प्लस v2 स्क्वायर इज इक्वल टू u स्क्वायर. ठीक है, तो क्वेश्चन कैसे आएंगे? ये तो कंसेप्ट था, क्वेश्चन ऐसे आएंगे. ए बॉल moving with speed 10 meter per second strikes elastically to another similar ball at rest. After collision, velocity of first ball was 6 meter per second. ठीक है, तो ऑप्शन क्या दिया? Then बी ऑप्शन दिया है, आपको बताना है. ऑप्शन ए velocity of second ball is 10 meter per second. Velocity of second ball is also 6 meter per second. Velocity of second ball is 8 meter per second. ऑप्शन डी दिया है. नॉट पॉसिबल. अगर यहां पर लिखा होता कि हेड ऑन कोलिजन है तो क्या होता? दे वुड हैव इंटरचेंज देयर वेलोसिटीज, है कि नहीं? वो अपना वेलोसिटी को इंटरचेंज कर लेते तो पहला बॉल रुक जाता, दूसरा भागता 10 में.
लेकिन दिया है टकराने के बाद इलास्टिक कोलिजन तो हुआ है, टकराने के बाद पहला वाला बॉल रुका नहीं है, इट इज मूविंग विद 6 मीटर पर सेकंड, तो क्या ये इलास्टिक हेडर कोलिजन था? नहीं, इलास्टिक हेडर कोलिजन में होता तो पहला बॉल रुक जाता, अब ये पहला बॉल रुका नहीं है, मतलब कोलिजन इलास्टिक हेडर नहीं है, क्लियर? कोलिजन इलास्टिक हेडर नहीं है, तो फिर इलास्टिक ओब्लिक है, इलास्टिक तो है, इलास्टिक कोलिजन दो किस्म के होते हैं, इलास्टिक हेडर, इलास्टिक ओब्लिक, तो ओब्लिक होगा मतलब टकराने के बाद उनके पास जो वेलोसिटीज रहेंगे, ये पहला जा रहा था 10 में, फिर बाद में टकराव होने के बाद ये इधर गया है 6 में, तो दूसरा बॉल तो पक्का परपेंडिकुलर डायरेक्शन में जा रहा होगा, आप कहोगे 10 का स्क्वायर मस्ट बी इक्वल टू 6 स्क्वायर प्लस v स्क्वायर और v इज 8 मीटर पर सेकंड, करेक्ट ऑप्शन क्या हो गया सी, वेलोसिटी ऑफ सेकंड बॉल इज 8 मीटर पर सेकंड, क्या सबको समझ में आया, इज इट अंडरस्टूड? ये क्वेश्चन बहुत ही रेगुलरली आता है, इवन सारे एंट्रेंसेस में जनरल स्कूल वाले भी कभी कभार डाल देते हैं, अच्छे स्कूल वाले यहाँ पर कुछ पढ़ाते हैं, ठीक है, आप तो नोटिस कर रहे होंगे, हम लोग जो जो चैप्टर पढ़ रहे हैं सारा चीज स्कूल में भी पढ़ाया जा रहा है, आई नो इट ऑल स्कूल एट राउरकेला, किसी भी स्कूल में हम जितना पढ़ा रहे हैं उसका 50% पढ़ा रहे होंगे, कोई भी चैप्टर में 50% क्या उससे कम पढ़ा रहे होंगे, दे विल जस्ट टच द चैप्टर एंड वेनिश, टच एंड वेनिश का गेम चलता है वहां पर, जिसको टच किया वो खत्म हो गया, क्या ये चीज सबको समझ में आ रहा है? तो इलास्टिक ओब्लिक कोलिजन के बारे में बहुत सारा केस बन सकते हैं, लेकिन हम लोग एक सिंपल सा केस देखे जिसमें पहला बॉल रेस्ट में था, ये बॉल रेस्ट में था, अगर ये रेस्ट में नहीं होता तो फिर हम सोचते कि बॉल के पास कुछ वेलोसिटी है, हम ही निकालते बॉल के पास क्या वेलोसिटी है, टेंजेंट टू ईच अदर एंड नॉर्मल टू ईच अदर अलोंग द लाइन जॉइनिंग देयर सेंटर ऑफ मास, तो फिर मान लो कि इस बॉल के पास ये बॉल का मास मान लो m नहीं होता 2m होता, तो ये u sin थीटा के चलते इसका क्या वेलोसिटी होगा निकाल देंगे, क्योंकि इन दोनों के लिए हेडर कोलिजन हो रहा है, हेडर कोलिजन में हमें फॉर्मूला मालूम है, अगर मासेस अलग होता तो हमें फॉर्मूला मालूम है, हम निकाल देते, मासेस अलग नहीं है बोल के ये बराबर हो गया, मतलब यहाँ पर m रेस्ट में था, m के जगह 2m हो सकता है, रेस्ट के जगह मोशन में हो सकता है, तो दोज वेराइटीज विल बी कवर्ड अंडर जे डिस्कशंस नॉट इन द स्कूल, ये जे मेन लेवल का ऐसे हो जाता है, क्योंकि वो सारे क्वेश्चन लेंथी होते हैं, लेट अस विल सी द नेक्स्ट आर्टिकल नाउ, दैट इज सेमी इलास्टिक कोलिजन, लेट अस मीट अगेन नेक्स्ट क्लास, तब तक के लिए जय हिंद।